मुझे इस बात की खुशी है कि बोरंग विधानसभा क्षेत्र में लगातार विकास को गति मिली है हमारी सरकार में 4.5 वर्ष में, और आज हम 13 उद्घाटन और 10 शिलान्यास यानी कि कुल मिलाकर के 23 उद्घाटन और शिलान्यास के कार्यक्रम यहाँ करने जा रहे हैं, और जिसके अंतर्गत लगभग 90 करोड़ रुपये की राशि यहाँ पर खर्च की गई है और जो खर्च करने वाली है। तो एक बहुत बड़ा एक अमाउंट जो है इस क्षेत्र में विकास की दृष्टि से हमने दिया है, और उसमें मुझे पूरा संतोष है कि बोरंग विधानसभा क्षेत्र में जो विकास के ऐसे लंबित कार्य थे, चाहे वो पीडब्ल्यूडी का डिवीज़न खोलने की बात है, चाहे वो और भी संस्थान खोलने की बात है, और उसके साथ साथ में जो डेवलपमेंट का जो हमारे बहुत सारी स्कीम थी जिनकी आवश्यकता थी वहाँ पर, उनको हम पूरा कर रहे हैं। और आने वाले समय में अभी हम कोशिश करेंगे जो और भी जो लंबित हमारे इस तरह के जो काम जो चल रहे हैं, जो वर्क इन प्रोग्रेस हैं, उनको भी कंप्लीट करके, उनको भी पूरा करके नवंबर के महीने से पहले जो है अक्टूबर के महीने तक जो है उनका उद्घाटन और शिलान्यास करके उनको समर्पित करेंगे। देखिए, उनको जो कहना है वो कहें, किसी काम को शुरू करने में वक्त लगता है, बहुत सारी फॉर्मेलिटीज, एयरपोर्ट है ये ऐसा तो है नहीं है कि ये कि एक स्कूल का भवन है या खेल का कोई मैदान है जो छोटा सा कि भी आज शुरू किया कि एक हफ्ते या एक महीने के अंदर बन करके तैयार होगा या 6 महीने के अंदर तैयार होगा। उनको मालूम होना चाहिए अगर बड़े एयरपोर्ट जहाँ भी निर्मित होते हैं 8 साल 10 साल ऐसे इतना समय लगता है उसमें, और हम इस सारे प्रोसेस की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए अगर सही मायने में लगता था कि हिमाचल प्रदेश में कोई बड़ा एयरपोर्ट बनना चाहिए, कहीं भी बनना चाहिए, अगर शुरुआत करते, पेपर मूव करते, फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करते और शुरू करते तो उनको मालूम पड़ता कि कितना उनको तो ये कॉन्सेप्ट ही नहीं है कि इस प्रकार के बड़े प्रोजेक्ट को भी हिमाचल के लिए आगे बढ़कर के काम करने की ज़रूरत है। और हमने अगर कोशिश की है तो उनको इस बात को समझना चाहिए, ये लंबे समय में जनरेशन जो हमारी आने वाले समय में आने वाली हैं तो उनके लिए एक बहुत बड़ा उपयोगी एक प्रोजेक्ट होगा, और हिमाचल के डेवलपमेंट से, हिमाचल के टूरिज़्म से इस प्रोजेक्ट का बहुत बड़ा एक ताल्लुक है। काम करने की ज़िद, मुझे लगता है कि विकास करने की ज़िद जो है इसको तानाशाही ने वो यहाँ जिस भाषा में मैंने कहा है, जिस संदर्भ में कहा है, इसको समझने की कोशिश करें। अगर मेरी जिद है मैं हिमाचल को आगे ले जाना चाहता हूँ, मैं हिमाचल के विकास के लिए, सर्वांगीण विकास के लिए काम करना चाहता हूँ, तो उसको तानाशाही नहीं कह सकते। वो भाव है मेरा व्यक्त करने का एक तरीका कि हिमाचल तेज़ गति से विकास की राह पर आगे बढ़े। वो कुछ बोलते हैं तो नाराज हो जाते हैं। देखिए, मुझे कोई नाराज़गी नहीं है, हम तो उनका नाम ही नहीं लेते हैं, हम उनके नाम के बिना बोलते हैं, किसी के बारे में बोलते हैं, किसी संदर्भ में बोलते हैं, उनको लगता है कि उनको ही बोल रहे हैं। वो अपना महत्व अपने आप बढ़ाने में लगे हुए हैं कि मैं बहुत इम्पोर्टेंट हूँ, मैं ही बोलता हूँ, मैं ही बोलना जानता हूँ, लेकिन वो क्या बोल रहे हैं उनको पूरा प्रदेश देख रहा है, उनकी भाषा, उनकी शैली, उनके तौर तरीके। ये प्रदेश देवभूमि के नाम से जाना जाता है, इस प्रकार के संस्कार, इस प्रकार की संस्कृति को कोई भी स्वीकार नहीं करता है, इस बात को उनको समझना चाहिए। वो बहुत बड़ा नुकसान अपना भी कर रहे हैं और पार्टी के भी कर रहे हैं।